वेलकम टू स्मार्ट किड्स, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग लेसन वीडियोस। हेलो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर 15 आवर बॉडी इन मेंटल स्टडी इन क्लास 3। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। बच्चों, हम क्लास 3 में एनवायरमेंटल स्टडी में लेसन नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है आवर बॉडी। जैसे बच्चों, हमारी बॉडी होती है, हमारी जो बॉडी होती है, हमारे बॉडी में हैंड्स होते हैं, लेग्स होते हैं, स्टमक होता है, हेड होता है, नेक होता है, सारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो अपना डिफरेंट डिफरेंट रोल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। कैन वी टेल, क्या आप बता सकते हो, व्हाट आर द दिस चिल्ड्रन डूइंग? आप देख सकते हो, ही इज प्लेइंग, वन गर्ल इज प्लेइंग, एंड यहाँ पे ट्रैफिक पुलिसमैन देख सकते हो आप, ही इज गाइडिंग, एंड वो सोल्जर मैन इज सैल्यूटिंग, एंड नर्स इज वर्किंग इन ऑफिस, एंड टिकट कंडक्टर इज इन द बस। टिकट कंडक्टर क्या है, बस में है, बस के अंदर क्या कर रहा है, टिकट दे रहा है। जैसे आपने देखा होगा पार्क में जो बच्चे खेलते हैं, आपने ट्रैफिक रोड पे देखा होगा जो पुलिस अंकल रहते हैं, वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं विजिटिंग करके कि कौन सी गाड़ी, मतलब रेड सिग्नल आएगा तो गाड़ी को रुकना है, ग्रीन सिग्नल आएगा तो गाड़ी को स्टार्ट करना है। और यहाँ पे जो सोल्जर है वो क्या कर रहा है, सैल्यूट कर रहा है। यहाँ पे जो नर्स है वो पेशेंट का ट्रीटमेंट, पेशेंट को दवाई दे रही है, उसे कौन से दवा कौन से वक्त पे देना है। यहाँ पे जो टिकट कंडक्टर है वो पैसेंजर को क्या दे रहा है, टिकट दे रहा है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी दे यूजिंग, मतलब यहाँ पे कौन किस चीज़ का बॉडी का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे यहाँ पे बॉय जो खेल रहा है वो लेग का इस्तेमाल कर रहा है, गर्ल हैंड का इस्तेमाल कर रही है, और जो ट्रैफिक पुलिस में वो भी गर्ल हैंड का इस्तेमाल कर रहा है, ये भी हैंड का इस्तेमाल कर रही है, ये भी हैंड का इस्तेमाल कर रही है, ये भी हैंड का इस्तेमाल कर रहा है, उसके सारे बॉडी के पार्ट्स काम कर रहे हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, पॉइंट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी नेम बिलो। फोर हेड, चीक, नोज एंड ईयर, टमी, चेस्ट, आर्म, रिस्ट, पाम, थाई, नी, फुट। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सारे बॉडी के पार्ट्स देख सकते हो, आपके फोर हेड है, चीक है, नोज, ईयर है, टमी है, चेस्ट है, आर्म है, विस्ट है, पाम है, थाई है, नी है, फुट है, आप सब देख सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, द हेड, टोर्सो, आर्म, लेग्स आर द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी। द हेड, आर्म, लेग्स आर जॉइंट टू द टोर्सो। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो हेड जो टोर्सो रहता है, हेड वो हेड और आर्म लेग्स किससे जॉइन रहता है, टोर्सो, जिससे आपके बीच में जॉइन हुआ है, हेड आपका जैसे सर है। द हेड इज कवर विथ हेड, बिलो द फोर हेड आर टू आईज विथ आईब्रो आईलेशेस ऑन द साइड ऑफ द ईयर्स। जैसे आपके सर पे बाल होते हैं, आपकी दो टू आईज होती है, टू ईयर्स होते हैं, नोज होते हैं, माउथ रहते हैं, इन फ्रंट ऑफ द नोज, बिलो द नोज इज माउथ, बिलो डैट द चिन। जैसे आपके नोज के नीचे क्या है, माउथ है, चिन है, उनका जो रोल है डिफरेंट डिफरेंट है। द पार्ट डेट जॉइन द हेड टू द टोर्सो इज द नेक। अभी जो टोर्सो को जॉइन करता है वो क्या है, नेक। जैसे टोर्सो हमारा क्या है, जैसे हमारा ये वाला हिस्सा जो दोनों को मिलाता है। अभी हम टोर्सो किसको बोलेंगे, टोर्सो, द चेस्ट एंड एब्डोमेन बैक टुगेदर मेक अप द टोर्सो। अभी यहाँ पे जिसे यहाँ पे चेस्ट जो है दोनों को मिला रहा है, जो एब्डोमन जो दोनों के बीच में आ रहा है, और आपका जो बैक, मतलब चेस्ट और आपके एब्डोमन दोनों, मतलब दोनों के बॉडी पार्ट को मिला रहा है। जैसे हमारी ये बॉडी है, जैसे यहाँ पे ये राइट साइड है, यहाँ पे लेफ्ट साइड है, मतलब दोनों को ये क्या कर रहा है, अच्छी तरह से मिला रहा है। जैसे चेस्ट है, एब्डोमन दोनों को मिला के क्या बना रहा है, टोर्सो बना रहा है। द पार्ट वेयर द आर्म इज जॉइंट टू द टोर्सो इज कॉल्ड शोल्डर। अभी यहाँ पे जो आर्म जो जॉइन कर रहा है एक दूसरे को, जैसे आर्म यहाँ पे एक दूसरे को जॉइन कर रहा है तो क्या है, शोल्डर। द लेग इज जॉइंट टू द टोर्सो एट द हिप जॉइंट। जैसे यहाँ पे लेग जॉइन हो रहा तो क्या है, हमारा हिप जॉइंट है, आर्म। द आर्म हैज थ्री पार्ट, अपर आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। अब यहाँ पे आर्म के आप पार्ट देख सकते हो बच्चों, अपर आर्म, एल्बो, फोर आर्म, विस्ट, पाम, हैंड, फिंगर्स, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पार्ट्स ऑफ द आर्म है। द आर्म हैज थ्री पार्ट, अपर आर्म, फोर आर्म, हैंड, द फिंगर्स आर द पार्ट ऑफ द हैंड। द अपर आर्म एंड फोर आर्म आर जॉइंट एट द एल्बो। अब यहाँ पे अपर आर्म जो फोर आर्म है वो एल्बो को क्या किए, अच्छी तरह से जॉइन किए। लेग, द लेग टू हैज थ्री पार्ट, शैंक एंड फुट, टोज आर पार्ट ऑफ द फुट। यहाँ पे आप थाइज देख सकते हो, न्यू देख सकते हो, शैंक देख सकते हो। द थाई एंड द शैंक आर जॉइंट एट द थी, नी के पास जॉइंट हुए हैं। द शैंक एंड द फुट आर जॉइंट एट द एंकल, यहाँ पे अच्छी तरह से जॉइन हुए हैं। न्यू टर्म,
अ पार्ट ऑफ द बॉडी डेट यू यूज फॉर पार्टिकल पर्पोज, यूज अवर लेग फॉर वॉकिंग, सो लेग्स आर ऑर्गन, यूज अवर ईयर फॉर ईयरिंग, सो ईयर्स आर अवर ऑर्गन, जैसे हमारे जो बॉडी के पार्ट्स के जो ऑर्गन्स है, जैसे लेग्स हम वॉकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो लेग्स हमारा क्या एक ऑर्गन है। हम कान, जैसे ईयर्स हम सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ईयर्स हमारे ऑर्गन है। जैसे हमारे हैंड जो लिखने के लिए इस्तेमाल, सामान उठाने के लिए, आइज हमारे देखने के लिए, तो ये ऑर्गन्स है जो अपना डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। ऑर्गन एक्सटर्नल ऑर्गन, ऑर्गन डेट आर ऑन द आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी, लेग्स आर्म ईयर नोज आवर ऑर्गन, जब भी जो ऐसे ऑर्गन जो बाहर रहते हैं, जो बाहर हमें नज़र आते हैं, जैसे लेग्स हो गया, आर्म्स हो गया, ईयर्स नोज, ये बाहर नज़र आते हैं, तो ये हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन है। दे आर ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, हेंस दे आर एक्सटर्नल ऑर्गन, ये हमारे बॉडी के बाहर रहते हैं, इसीलिए इसे हम एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं। कैन यू टेल, कि आप बता सकते हो, हाउ विल यू वर्क विदाउट बेंडिंग योर लेग्स एट द नी, अभी आप कैसे चलोगे बिना, अगर बेंडिंग ना, अगर आप मैंने बेंडिंग नहीं किया तो आप कैसे चलोगे। कैन यू कॉम योर हेयर विदाउट बेंडिंग इन योर आर्म एट द एल्बो, क्या जब तक आप बेंड ना करोगे तो अपने बाल को कॉम्बिंग कर सकते हो। मोमेंट ऑफ द बॉडी, नहीं, हाउ विल यू वॉक विदाउट बेंडिंग योर लेग्स एट द नी, मतलब आप कैसे चलोगे, जैसे आपको नी को बेंड करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो आप बिल्कुल नहीं चल पाओगे। कैन यू कॉम योर हेयर विदाउट बेंडिंग योर आर्म एट द एल्बो, मतलब आपको सारे बॉडी के पार्ट्स की मदद की ज़रूरत होती है। मोमेंट ऑफ द बॉडी, ट्राई टू बेंड वुडन स्टिक, कैन यू डू, व्हाई नॉट, अभी आपको, जैसे आपको वुडन स्टिक उठाना है तो आपको झुकना है, तभी तो आप उठा पाओगे, अगर आप झुक नहीं पाओगे तो कैसे उठा पाओगे। सपोज दैट अवर लेग्स आर्म ऑल्सो कुड नॉट बेंड, वी वर एबल टू मेक मोमेंट, जैसे अगर हमारे लेग्स और आर्म मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, झुक नहीं पाएंगे, तो हमारे बॉडी के पार्ट झुक पाएंगे। सम ऑफ द आवर बॉडी पार्ट कैन बेंड, दैट्स वाई वी आर एबल टू मेक मोमेंट, हमारे कुछ बॉडी के पार्ट है जो अच्छी तरह से बेंड हो सकते हैं, इसीलिए हम हमारे सारे काम हम कर सकते, जैसे हमने लकड़ी को क्या किया, उठाया है और उसे हम होल्ड कर रहे हैं, उसे हम पकड़ रहे हैं। विच पार्ट ऑफ द बॉडी कैन वी बेंड, हम कौन किसको किसको हम बेंड कर सकते हैं, मतलब हम घुमा सकते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, ट्राई दिस, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मूव योर नेक एज शोन इन द पिक्चर, जैसे आपको मिरर के पास खड़े होने हैं, आपको सारी पिक्चर देखनी है, जैसे आप नेक को ऊपर नीचे कर सकते हो, राइट लेफ्ट कर सकते हो, और अपने फेस को भी राइट लेफ्ट अप डाउन कर सकते हो फेस को, और अपनी आइज को भी ऊपर आगे पीछे दाएं बाएं, मतलब आपका जो नेक है वो पूरी तरह से राइट लेफ्ट अप डाउन मूव हो सकता है। द नेक बेंड फॉरवर्ड्स एज वेल एज बैकवर्ड, इट टर्न लेफ्ट और राइट ऑल्सो बेंड लेफ्ट और राइट, मतलब आपका जो नेक है वो फॉरवर्ड भी, मतलब ऊपर नीचे भी जा सकता है, जैसे हमें ऊपर करना है, नीचे कर दे, ऊपर देखना है, नीचे देखना है, हमें दाएं देखना, बाएं देखना है, हमें अप डाउन देखना तो हम देख सकते हैं, हमें राइट लेफ्ट देखना तो उस तरफ हम दे सकते हैं आर्म्स, जैसे ये हमारा क्या है बच्चों, आर्म्स है। वी कैन बेंड अवर आर्म एट द शोल्डर एल्बो विस्ट, द फिंगर्स ऑफ द अवर बैंड कैन बेंड टू दिस, दैट इज वाई वी कैन मेक अ फिस्ट, वी कैन डू मैनी थिंग विथ अवर हैंड, वी यूज अवर हैंड टू राइट एंड पिक अप थिंग, मदर शेप अ लड्डू विथ हर हैंड, बेबी होल्ड द रेटल इन हर हैंड, अभी हम हैंड से क्या क्या करते हैं, हम राइट करते हैं, हम लिखते हैं, मम्मा लड्डू बनाती है और मम्मा सब्जी काटती है, और जो बेबी है वो हैंड की मदद से क्या कर रहा, खेल रहा है, जैसे हम हैंड की मदद से हम बकेट उठा सकते हैं, उसे हम फोल्ड कर सकते हैं, उसे हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, तो हमारे हैंड के काफ़ी फंक्शन होते हैं। द वेस्ट, वेस्ट हम किसको बोलेंगे, हमारी जो कमर होती है, वी कैन बेंड अवर टोर्सो ओनली एट द वेस्ट, वी कैन बेंड फॉरवर्ड एट द वेस्ट, डेट मेक इट ईजियर फॉर अस टू डू मैनी थिंग, वी कैन पिक अप थिंग फ्रॉम द फ्लोर, टाई और शूलेस प्ले गेम्स टू, जैसे हमारी कमर को हम झुका भी सकते हैं, हमारे जो दोनों पार्ट्स है वो अच्छी तरह से हमारे झुक जाएंगे, जैसे हम कोई भी चीज़ को उठा सकते हो और बांध सकते हैं, जैसे हमारी शू का लेस खुल जाए तो उसे हम बांध सकते हैं, अगर हमारा खिलौना गिर गया है, टॉय गिर गया, बॉल गिर गया, तो उसे हम उठा सकते हैं बेंड होके झुक के। अवर लेग्स कैन बेंड एट द हिप जॉइंट, जैसे हमारे लेग्स को भी हम बेंड कर सकते हैं, द नीज एंड द एंकल, हमारे जो नीज है एंकल है। आवर टोज कैन टू बेंड बट नॉट एज मच एज आवर फिंगर, हमारे टोज वो भी बेंड हो सकते हैं लेकिन जितनी फिंगर बेंड होगी उतनी तरह नहीं हो पाएंगी। वी यूज आवर लेग टू फॉर सर्वल पर्पज, वी यूज आवर लेग्स टू स्टैंड, वी वॉक एंड रन, वी क्लाइंब अप डाउन स्टेयर, वी होप जम्प, वी वर्क सम मशीन, वी वर्क सम मशीन टू यूजिंग अवर लेग्स, जैसे हम लेग से काफ़ी काम करते हैं, हम लेग से हम रनिंग करते हैं, स्किपिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, हम दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, और हम
यहाँ पे हम फायरिंग करते तो हम लेग्स पे खड़े होते, वन टास्क मैनी मेथड, मतलब एक एक लेग से हम कितने सारे काम करते हैं. ट्राई दिस, वन डे यू डिसाइडेड नॉट टू ओपन योर माउथ डेट ऑल टू स्पीक, सो यू हैड टू टॉक ओनली बाय साइन एंड गेस्टर. जैसे आपने एक दिन आपको एक्सप्लेन करना है कि आपको अपना माउथ नहीं खोलना, आपको ना ही किसी से बात करना है, सिर्फ आपको इशारे से बात करना है. यू आर आग शोला ली और वेट यू आंसर आर वेट, मतलब आप इशारे से कैसे बात करोगे. यू आर आग हाउ इज द करी, यू आंसर इज डिलिशियस. यू आर टोल्ड डैट्स नॉट फीलिंग वेल, यूर आंसर इज वॉट हैपन टू इट. यू आर आग्स हाउ इज द वेदर, यू आंसर इज आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड. जैसे आपको एक्सप्रेशन बताना है, आपको बोलना नहीं है, आपको सिर्फ जैसे आपको कांपने का एक्शन करना है, आपको चीज़ें कुछ अच्छी नहीं आ रही तो आपको एक्टिंग करना है, अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद आ रही है तो आप उसको एज ए एक्टिंग करना है, एक्सप्रेशन दिखाना है. आपको हाय हेलो करना है तो आपको इशारे से बात करना है, तो आपको चेहरे पे क्या लाना है बच्चों, एक्सप्रेशन लाना है, एक्टिंग करनी है, मतलब आपको बिना बोले बिना बताए हुए. जैसे हमें बोलते थे हमें खाना पसंद नहीं तो हमारा फेस कैसा बन जाता है, थोड़ा सा उदास बन जाता है. जैसे हम बहुत खुश रहते तो हमारा फेस स्माइली बन जाता है. तो आपको आपको साइनिंग में गेस्टर लैंग्वेज में बात करना है. वी यूज आवर माउथ टू स्पीक, हम माउथ हम कब खोलते हैं, जब हमें खाना खाना होता है, हमें बात करनी होती है. बट व्हेन प्लेइंग दिस गेम विच पार्ट ऑफ योर बॉडी डू यू यूज टू मेक साइन, मतलब अगर आपको ये ऐसे एक्टिंग वाला गेम खेलना है तो आपने कौन कौन से बॉडी का पार्ट का इस्तेमाल किया. जैसे आपने पूरे फेस का इस्तेमाल किया है, पूरे शोल्डर का, फिंगर का इस्तेमाल किया है, हैंड का इस्तेमाल किया है, चेहरे का एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया है. What is the solution? You want to box, you want a box from very high shelf where you hand cannot reach. मतलब आप क्या करोगे अगर आपका जो box है कबर्ड के ऊपर रखा है लेकिन आप पहुँच नहीं पाओगे तो आप किसका इस्तेमाल करोगे. जैसे आपके घर में चेयर रहता है, टूल रहता है, स्टूल रहता है, उससे हम उसके ऊपर हम चढ़ते हैं और हम अपना सामान निकालते हैं. टू कैरी आउट एनी टास्क यू कैन चूज एनी वन फ्रॉम नंबर ऑफ मैथड ऑफ डूइंग. वी कैन नॉट यूज द मैथड, वी कैन गेट सम टू हेल्प, वी कैन यूज सम स्पिरिचुअल एडवाइस. सब मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग, वी शुड देन ऑफर ऑल पॉसिबल थिंग. यूज योर ब्रेन पावर, वॉट इज द लिटिल बॉय एबल टू डू बिकॉज थाई पिक अप हिम. अभी यहाँ पे जो लिटिल बॉय है ने क्या, लिटिल बॉय ने क्या, वॉट वॉज द लिटिल बॉय एबल टू डू बिकॉज थाई पिक हिम अप. अभी यहाँ पे जो लिटिल बॉय है वो क्या किया है, यहाँ पे मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पे जो ताई है उसने अपने छोटे भाई को क्या किया, विंडो के पास खड़ा कर दिया, बैठा के रख दिया. मतलब उसने किसका इस्तेमाल किया, हैंड का, लेग का इस्तेमाल किया है. आई एम यूनिक, मतलब आप बहुत ही यूनिक हो. देयर आर काउंटलेस पीपल इन द वर्ल्ड बट ऑल ऑफ देम हैज सेम बॉडी पार्ट, इवन सो नो टू पार्ट्स आर एग्जैक्टली अलाइक. दिस इज बिकॉज ईच ऑफ वन है डिफरेंट फिगर, ईच वन ऑफ हैज डिफरेंट फिगर इन फॉर्म, दे आर डिफरेंट इन हाइट एंड वेट, हेयर लाइन, फीचर ऑफ द फेस. जैसे हमारी जो बॉडी के पार्ट्स, हम हमारी बॉडी सेम रहती लेकिन हमारे जो बॉडी के पार्ट्स रहते हैं, हमारे चेहरे बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं. हमारा जो हाइट रहता है, वेट रहता है, हेयर रहता है, हमारे फीचर्स बिल्कुल डिफरेंट रहते हैं. इन द होल वर्ल्ड ओनली यू लुक लाइक योर सेल्फ, डिड यू नो दिस. मतलब ऐसा रहता है कि हम ही अलग दिखते हैं, कि हमारे जो फ्रेंड्स रहते हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर रहते हैं, सब अलग अलग दिखते हैं. डू यू नो सम टाइम ट्विन ब्रदर ट्विन सिस्टर लुक लाइक टू लुक एग्जैक्टली लाइक, बट इवन बिटवीन देम देयर ऑल्सो स्मॉल डिफरेंस. कभी कभी आपने जुड़वा भाई बहनों को देखा होगा, बिल्कुल सेम दिखते हैं लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ, कोई ना कुछ एक फ़र्क रहता है. तो हमारे बॉडी के पार्ट्स तो सेम रहते हैं. जैसे आपके सर्कल में आपके भाई बहन होंगे, या आपके फ्रेंड्स होंगे, या आपके कज़न होंगे, तो आप पार्क में तो मिलते होंगे, या क्लासमेट होंगे. देखो हमारे बॉडी के पार्ट्स तो सेम रहते हैं लेकिन हमारे जो फीचर्स है, हमारा जो बॉडी का जो फीचर्स है बिल्कुल डिफरेंट है, हमारा जो फेस है बिल्कुल डिफरेंट है. व्हाट यू लर्न, आज हमने क्या सीखा. हेड टोर्सो लेग आर्म आर द मेन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. हमारे जो हेड लेग टोर्सो है हमारे बॉडी के मेन पार्ट है. चेस्ट एब्डोमन बैक टुगेदर मेकअप टोर्सो, मतलब चेस्ट एब्डोमन दोनों और बैक के दोनों से मिल तीनों से मिलके हमारा क्या बनता है, टोर्सो बनता है. चेस्ट हो गया हमारा, एब्डोमन हो गया, बैक हो गया. द हेड लेग आर्म जॉइन टू द टोर्सो, हमारे जो हेड लेग आर्म क्या टोर्सो से जॉइन हो जाता है. पार्ट ऑफ द बॉडी डेट जॉइन द हेड टोर्सो इज द नेक, द आर्म्स आर जॉइन टू द टोर्सो आर शोल्डर, द लेग्स एंड द हिप जॉइन. जैसे हमारा जो टोर्सो किसको जॉइन कर रहा है, नेक. जैसे नेक हमारा मूवमेंट हो सकता है, हम अप डाउन कर सकते हैं, राइट लेफ्ट कर सकते हैं. आवर बॉडी वॉट कैन बैंड एट सर्टन प्लेस डेट मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू मेक डिफरेंट मूवमेंट. जैसे हमारे कुछ ऐसे बॉडी के पार्ट्स है, हैंड हो गया, लेग हो गया, हम
और वेस्ट हो गया, हम इसे बैंड कर सकते हैं, जिससे हमारा काम, हमारे बॉडी के कुछ मूवमेंट्स हो जाते हैं, हमारा काम आसान हो जाता है। अवर बॉडी मेक वेरियस मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ नेक, आर्म, लेग्स एंड वेस्ट। हमारे बॉडी के वेरियस मूवमेंट होते हैं, वो भी किसकी मदद से, नेक, आर्म, लेग और वेस्ट की मदद से, जिससे हमारा वर्क ईजी हो जाता है। ऑलवेज रिमेंबर अवर बॉडी हेल्प अस टू डू ऑल अवर टास्क, सो यू मस्ट टेक अप अवर बॉडी। मतलब हमारी जो बॉडी के पार्ट से बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे टास्क होते हैं, इसलिए हमें अपनी बॉडी की केयरिंग करनी चाहिए। जैसे हमारे हैंड, लेग्स, आईज, नोज बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हमें उनकी केयरिंग करनी चाहिए, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए कि हमारे बॉडी को चोट ना लगे, बिल्कुल हमें उसकी केयरिंग करनी चाहिए, हमें हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करना होगा। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।